असलमकूम वरहत ला एक बार हजरत उम्मे सलमा ताला ताल के पास कहीं से कुछ गोश्त आया और जनाब रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत अच्छा लगता था, था, था। इसलिए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तन ने खात्मा से फ़रमाया कि ये गोश्त ताक में रख दे शायद अलैहि वसल्लम नोश फरमाए उसने ताक में रख दिया इतने में एक साइल आया और दरवाज़े पर खड़े होकर आवाज़ दी भेजो अल्लाह के नाम पर खुदा बरकत करे घर में से जवाब दिया खुदा तुझको भी बरकत दे इस लफ्ज़ में ये इशारा है कि कोई चीज़ देने की मौजूद नहीं है वो साइल चला गया इतने में प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया ए सलमा तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है उन्होंने कहा हाँ है और ख़ादमा से कहा जाओ गोश्त आप अलैहि वसल्लम के वास्ते ले आओ वो गोश्त लेने गई देखती क्या है कि वहाँ गोश्त का तो नाम भी नहीं है फ़कत एक सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा रखा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि तुमने साइल को ना दिया था इसलिए वो गोश्त पत्थर बन गया फ़ायदा इस वाक़े का ये है कि गौर कीजिए खुदा के नाम पर ना देने की ये नहुसत हुई कि उस गोश्त की सूरत बिगड़ गई और पत्थर बन गया इसी तरह जो शख्स साइल से बहाना करे खुद खाता है और वो पत्थर खा रहा है जिसका ये असर है कि संग दिली और दिल की सख्ती बढ़ती चली जाती है चूँकि हजरत सल्ला वसम के घर वालों के साथ खुदा बंद करीम की बड़ी इनायत और रहमत है इसलिए उस गोश्त की सूरत खुली निगाहों में बदल दी कि उसके इस्तेमाल से महफूज रहें हम सबको भी चाहिए कि अगर कोई भूखा हमारे दरवाजे पर आए या हमसे कुछ मांगे तो हम लोगों को चाहिए कि हमारी इस्तात के मुताबिक जो भी हमारे पास हो हम उसको खाने को दें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तोफी कता फरमाए आमीन आमीन